स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? देखें, आज इस वीडियो के माध्यम से और इस एक छोटे से प्रयास से युक्त प्रोग्राम के माध्यम से आपके सम्मुख में आ रहा हूं। अब प्रश्न ये है कि इस प्रोग्राम का या ये जो कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो निश्चय ही उद्देश्य जो है वो आपके भविष्य को लेकर जुड़ा हुआ है। आपका भविष्य क्या है? वो जो भविष्य आपकी, जिस भविष्य की मैं बात कर रहा हूं, वह मुझे पूर्णतः पता है। और आप अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर, जहां भी आप हो, चाहे शहर में हो, गांव में हो या रिमोट एरिया में हो, परिस्थितियां लगातार परिवर्तित होती हैं। ये प्राकृतिक सत्यता है और भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते आप पर्यावरण की परिवर्तनशीलता को भली भांति पहचानते हो, चाहे वो हमारा स्थलीय भाग हो, जलीय भाग हो, वायुमंडलीय भाग हो या जैविक भाग हो, लगातार परिवर्तनशील हैं। और परिवर्तनशीलता को या परिवर्तनशीलता से जुड़ी हुई अंतर्क्रिया को कभी भी हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा हमारा उद्भव मानव के रूप में हुआ है, अगर आध्यात्मिक स्तर पर जाएं तो मानव का जीवन मिला है, तो जीवन तो मिला है लेकिन हर जीव की तरह, हर जीवन की तरह हमारे सामने भी संघर्ष है। और जो संघर्ष का प्रतिरूप है, जो मॉडल है, जो प्रतिमान है, उसका कारण क्या है? तो आवश्यकता है, आवश्यकताएं हैं तो आविष्कार है, आवश्यकताएं नहीं होती तो आविष्कार भी नहीं होता। न तो हम प्राकृतिक पर्यावरण को समझने की कोशिश करते, लेकिन आवश्यकताएं चाहे हमारी भौतिक हो या मानसिक हो, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पर्यावरण का अध्ययन आरंभ करते हैं। और पर्यावरण को समझने के लिए ही मानव ने अनजाने में एक रिसर्च और डेवलपमेंट से युक्त, कहने का मतलब अनुसंधान और विकास से युक्त एक ऐसे विधि का आविष्कार किया जिसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कुछ भी नहीं है, विज्ञान क्या है? प्रकृति को समझने का एक तरीका है। और जहां तक प्रश्न आपके विषय का है, भूगोल का है, तो अनेक विद्वानों ने कहा कि भूगोल तो सभी विज्ञानों की जननी है। भूगोल को यदि आपको समझना है तो प्रकृति को समझना होगा, और प्रकृति को समझना एक कठिन कार्य है, मुश्किल नहीं है। विश्व में जितनी भी एकेडमिक स्तर पर जितने भी विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य क्या है? प्रकृति को जानना। प्रकृति को जानकर, जो प्रकृति ने जो संसाधन हमें प्रदत्त किया है, जो स्वरूप प्रदत्त किया है, या तो वो संसाधन के रूप में वहां से आ गए मेरे पास और उनका उपयोग करने लगे, या उनका हम कई स्तरों पर मॉडिफिकेशन करके संसाधन में परिवर्तित कर लिए, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति करना। भूगोल हो या कोई भी विषय वस्तु हो, भूगोल का जो स्कोप है, क्षेत्र है, काफी रहस्यमयी है, काफी विस्तृत है, काफी जटिल है, जिसके कारण इसको सभी विज्ञानों का जननी कहा गया। लेकिन किसी भी विषय वस्तु को यदि आप समझना चाहते हो, तो एक पहली आपके लिए अनिवार्य शर्त होनी चाहिए कि उस विषय वस्तु को जीने की कोशिश करो। जीवन का कोई भी उपागम हो, व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, राष्ट्रीय रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस भी उपागम को आप चुनते हो, उसको जीने की कोशिश करो। और जीने का आधार क्या होगा? उसको जीने का मतलब उसको पूर्णतः अपना ले। हम जब आप भूगोल विषय को पढ़ रहे हो,
तो मेरा तो ये मानना है कि भूगोल से कोई भी विषय वस्तु, कोई भी विषय इंटरेस्टिंग नहीं है। तो जब आपने भूगोल का चुनाव कर लिया तो भूगोल को समझने के लिए तीन प्रमुख तथ्यों पर आप ध्यान दें। नंबर वन, संकल्पनाओं को समझो, जिसको आप कॉन्सेप्ट बोलते हो, और संकल्पना का शुद्ध हिंदी शब्द होता है सामान्य विचार। आप भू आकृति पढ़ रहे हो, जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हो, भौगोलिक विचारधारा पढ़ रहे हो, समुद्र विज्ञान है आपके पास, पर्यावरण भूगोल है, जनसंख्या है, बसाव है, सामाजिक है, सांस्कृतिक पहलू है, सांस्कृतिक पहलू है, राजनीतिक पहलू है, क्षेत्रीय पहलू में जैसे भारत का भूगोल पढ़ रहे हो, किसी प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हो, कार्टोग्राफी है, स्टेटिस्टिक्स है। संकल्पनाओं को समझो, संकल्पनाएं जो होती है सामान्य विचार होती है। संकल्पनाओं को समझने के पश्चात उन संकल्पनाओं के पहलुओं को व्यवहारिक रूप में जोड़ने की कोशिश करें। जैसे आप पर्वत निर्माण पढ़ते हो, किताबों में पढ़ लिया, जियो सिंक्लाइन पढ़ लिया, डाना को पढ़ लिया, हाल को पढ़ लिया, हाक को पढ़ लिया, सुसर्ड को पढ़ लिया, इवांस को पढ़ लिया, डस्टर स्टील केई को पढ़ लिया, कोबर को पढ़ लिया, होम्स को पढ़ लिया, जोली को पढ़ लिया, डेली को पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया। लेकिन क्या जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है उसको समझने के लिए आसपास के पर्वतों का आपने अवलोकन किया क्या, अध्ययन किया क्या? तो जो संकल्पनात्मक विकास है उसको व्यवहारिक विकास से जोड़ने की कोशिश करें। जब संकल्पना और व्यवहार को जोड़ लोगे तो उसके बाद उसके तथ्य को याद कर जाओ। तो भूगोल के विषय में मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि तीन पहलुओं को ध्यान दो, संकल्पनात्मक विकास, जो संकल्पनात्मक पहलू हैं, व्यवहारिक पहलू और तथ्यात्मक पहलू। तथ्य को हमें याद करना है, तो तथ्य जब याद होगा जब किसी संकल्पना को व्यवहार में लोगे। जिस युग में आप जीवित हैं, जिस युग में आपकी क्रियाशीलता जारी है, वह युग प्रतियोगिता से भरा है। 60 के दशक से पहले की कहानी कुछ और थी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, माल्थस का सिद्धांत आपके सामने आ गया, संसाधन कम है, लोग ज्यादा है, संघर्ष बढ़ेगा। असभ्य जीवन में है तो संघर्ष में विजयी होने का तरीका हमारे पास सिर्फ प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिता में विजयी वही होगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जितने भी तथ्य या कथन मैं ले रहा हूं आपके कोर्स का है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तर जीविता, अस्तित्व के लिए संघर्ष, डार्विनवाद की बात करो, तो हमें द बेस्ट बनना पड़ेगा, हमें सर्वोत्तम बनना पड़ेगा। तो कंपटीशन वर्ड है, कंपटीशन को पास करने के बाद नौकरी मिलेगी, तब हमारी जीविका चलेगी। तो हम अपने आप को धोखा न दें, संकल्पनाओं को ध्यान दो, खुद संकल्पना को पढ़ो, आसपास के व्यवहार को लो, तथ्यों को याद करो, तथ्य याद हो जाएंगे। जब संकल्पनात्मक और व्यवहारिक स्तर पर उस विषय वस्तु में आप इन्वॉल्व हो जाओगे, उसको जीने की कोशिश करोगे, तो अपने आप याद हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, फिल्में सब देखते हो, देखनी भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सामान्य मूवी जो 2.5 घंटे से 3 घंटे की होती है, 10,000 वर्ड्स होते हैं उनमें, तरह तरह के मोमेंट होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस के डायलॉग्स होते हैं, डांस होते हैं, एक्शंस होते हैं, लेकिन वो सारे मोमेंट आपको याद हो जाते हैं 3 घंटे में। क्यों भाई? क्योंकि आप विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी अतिरिक्त दबाव के, डिप्रेशन के, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो, बोलते हो कि मजा आ गया।
तो क्या अपने विषय वस्तु के साथ ऐसी आपके जेहन में कुछ है? फिल्म देख लिया, मनोरंजन हो गया 3 घंटे के बाद, लेकिन ये जो विषय वस्तु आपके पास है जो आपको जीविका देगी, आपके अस्तित्व को सतत रूप से कायम रखेगी, क्या उसमें आप इन्वॉल्व हो पाए? यदि आप इन्वॉल्व हो गए तो सब कुछ याद हो जाएगा। क्या भू आकृति विज्ञान, क्या जलवायु विज्ञान, क्या समुद्र विज्ञान, क्या जैव भूगोल, क्या पर्यावरण भूगोल, क्या भौगोलिक विचारधाराएं, क्या जनसंख्या भूगोल, क्या बसाव भूगोल, क्या सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, क्या राजनीतिक भूगोल, क्या रीजनल प्लानिंग, क्या क्षेत्रीय भूगोल के उपागम, क्या कार्टोग्राफी, क्या स्टैटिस्टिक्स, सब याद हो जाएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स की स्थिति क्या होती है, 2 महीने में ही रैबिट रन करके आप पास होने की तमन्ना रखते हो। नहीं, कछुए की चाल को अपनाओ, समय लगेगा लेकिन सफलता आपको मिलेगी। दूसरी चीज, जब आप जो भी आपका पाठ्यक्रम हो, जो भी विषय वस्तु आपके पास है पाठ्यक्रम में, उसके संदर्भ में जो पुस्तकें रिलेटेड हैं, तो एक विषय वस्तु पर सैकड़ों पुस्तकें हैं, तो आपकी आदत क्या है कि एक विषय वस्तु के लिए कम से कम 10 पुस्तकों का आप क्या करते हो, संकेंद्रण कर लेते हो और ऐसी एक फैक्ट को 10 पुस्तकों से पढ़ने की कोशिश करते हो। और पुस्तकें तो जब एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंस होंगी तभी बिकेगी। तो मेरा यह मानना है कि एक विषय वस्तु के लिए, पाठ्यक्रम के एक टॉपिक के लिए कोई एक स्टैंडर्ड पुस्तक लो और 10 पुस्तकों को पढ़ने के बजाय एक का अध्ययन करो और संकल्पनात्मक विकास, संकल्पना को समझो, व्यवहार को समझो और तथ्य को याद कर जाओ। पुस्तकों की बात कर लिया हमने, टेक्स्ट की, उसके बाद गाइडों में पढ़ जाते हो, फिर उनके नोट्स नहीं। आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप खुद कर लोगे। अब आपको कंपटीशन पास करना है, परिस्थितियां बदल रही है जैसे कि शुरू में मैंने बोला, और दिसंबर 2019 या 2020 जनवरी से तो और भी वैश्विक परिस्थितियां बदली, हमारे बस में कुछ भी नहीं। आपने पर्यावरणवाद पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, आप समझ में आ गया कि यहां इतनी ज्यादा परिवर्तनशीलता है, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है लेकिन परिवर्तन करने वाला पहलू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कोविड-19 सब कुछ परिवर्तित कर दिया, तो और समस्याएं बढ़ गई। तो आपको अपने पैर को और मजबूत बनाना है, न कि डिमोरलाइज होना है। उस प्रसंग को याद करो जब रावण के सम्मुख अंगद जाता है, उस प्रसंग को याद करो। धर्म जाति से कोई मतलब मुझे नहीं है, उतना आपका पैर मजबूत होना चाहिए। और इस सजगता के साथ, इस सम्यता के साथ, इस सुगमता के साथ आप प्रण लो कि जब भी अब कोई कंपटीशन मेरे पास आ रहा है, चाहे वो संघीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जा रहा हो, पहला ही कंपटीशन हम क्या करेंगे, टारगेट निश्चित करेंगे और पास हो जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां बहुत विषम है। लेकिन पास हो जाएंगे इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। वो प्रयास का सबसे अच्छा तरीका यही है, अच्छा प्रयास करें, एक विषय वस्तु को लो, खूब पढ़ो, खूब याद करो और आगे बढ़ो। अब देखो परिस्थितियां बदली, थोड़े बहुत मेरे पास भी टाइम आ गया, सिविल सर्विसेज के साथ साथ भूगोल से संबंधित जो नेट जेआरएफ
या लेक्चरर से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं, दशक बीत गए मुझे, कम से कम 2 दशक, लेकिन अभी टाइम मिला और कुछ अपने साथ के जो लोग हैं उनके प्रयास के द्वारा मैं आपके सम्मुख आ गया। तो सुझाव आया, सुझाव मैं सबकी मानता हूँ, आप भी कोई सुझाव दोगे मान लूँगा, मुझे तो रोड पर चलता हुआ कोई व्यक्ति भी सुझाव दे वो अभी मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का सुझाव बहुत बहुमूल्य होता है, बस समय की जरूरत है किस समय वो हमारे लिए कारगर हो जाएगा। तो सुझाव तो कोई भी दो, यहां से सुनो और जो कुछ है अपने पास रखो, नहीं है तो फिर उसको समय के संदर्भ में उसको सुरक्षित रखो। तो इस संदर्भ में ये बात हुई कि अब प्रतिदिन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चन जाएंगे, तो क्वेश्चन तो निश्चित ही बुक से आएंगे, तो जो भी बुक हमारे पास हैं आपके पास भी उनसे क्वेश्चन बनाएंगे। अभी जो इस क्वेश्चन की सततता है, कहा गया प्रतिदिन एक क्वेश्चन जाएंगे, जब आपका जैसा रुझान होगा उसके अनुसार नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे, और ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्वेश्चंस को हल करने का तरीका आपको आ जाना चाहिए, जहां भी आप हो। सामान्यतः जो आपके पेपर्स होते हैं बहुविकल्पी प्रकार के, 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, फैक्ट दे दिया 1 2 3 4 या ABCD दे दिया, कौन सा उससे संबंधित है, सत्य असत्य को समझकर आप टिक कर लेते हो। दूसरा क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 वाले जो मैचिंग के आते हैं, ये 2 सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो आता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उसमें अक्सर आप गलतियां करते हैं, और जैसा कि अभी 4 5 या 6 क्वेश्चन दिया गया उसमें 1 क्वेश्चन दिया गया जिसमें लगभग 99% स्टूडेंट फेल हो गए। उस क्वेश्चन को देने के बाद मुझे लगा कि आपके सामने मुझे आना है। चौथे श्रेणी में क्वेश्चन है कथन कारण का, तो जो लास्ट के 2 तीसरे चौथे की जब मैंने बात की, इनमें आपकी संकल्पना और तथ्य व्यवहार अगर आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन आप गलत करते हो, और यही क्वेश्चन आपकी मेरिट को डिसाइड कर देते हैं। हर कंपटीशन से संबंधित जो प्रतियोगिता हो रही है, जो प्रश्न पत्र आपके पास आते हैं, तो 100 अगर क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन या मान लो 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हिला कर रख देते हैं। ये नहीं कि आपके पाठ्यक्रम से बाहर के हैं, आपके अंदर से ही हैं, पाठ्यक्रम के अंदर से ही है, लेकिन वहाँ आपके नॉलेज के साथ साथ आपके एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, अभी क्षमता को, आपकी स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप कितना स्टेबल हो। तो मेरा प्रयास रहेगा अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप हमारे लिए बच्चे ही हैं, तो उसकी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। अब मैं कोशिश करूँगा कि जितना से जितना आपके लिए मैं प्रयास कर लूँ, आपकी सेवा कर लूँ। तो इस क्रम में जो प्रश्न आपके पास आए, तो यहाँ से बातें हुई जो हमारे यहाँ साथ में काम करते ऑफिस में, उन लोगों ने बोला कि सर इसको एक बार सॉल्व करवा दो। हालांकि जो क्वेश्चन आए सभी के उत्तर आपने सही दिया अधिकतर के, लेकिन जो मेरिट के लिए डिसीजन वाले क्वेश्चन हैं वहाँ आप इन 5 6 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन में लगभग जैसे बताया कि 99% लोग फेल हो गए। अब किस किस लेवल पर बात कर रहे हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, और भी जो भी स्रोत है, ज़्यादा मुझे आता नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, उससे टाइम ही नहीं मेरे पास है। तो इसके माध्यम से आप जुड़ते रहें, फायदा होगा, निःशुल्क ये फायदा आपको दिया जा रहा है। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, अगर पर्सनल मिल सकते हैं आसपास के हैं तो ज़रूरी है मिल लें, अगर ज़रूरी है तो मिल लें, बात कर लें, नहीं तो दूर से आप बात कर लें, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। बहरहाल आज पहली बार मैं उन जो प्रश्न आपके पिछले सप्ताह दिए गए उस पर मैं आपसे बात करूंगा।
और बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि ज्योग्राफी से संबंधित कुछ संकल्पनात्मक विकास आपके पास पहुंचे, ओरिजिनल संकल्पनात्मक विकास कि वास्तव में भूगोल है क्या, किसी भी विषय वस्तु जो भूगोल के पाठ्यक्रम की जो भी विषय वस्तु है उसका वास्तविक संकल्पना क्या है, कोशिश करूंगा जैसे जैसे मेरे पास समय आता जाएगा आपके पास इसी माध्यम से मैं पहुंचूंगा जिससे आपका अधिक से अधिक फायदा हो। ठीक, तो देखो जो क्वेश्चन आपको दिए गए उसमें से पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, मानव भूगोल से संबंधित है, किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल के संदर्भ में स्पष्ट किया कि इसकी वास्तविकता त्रिविमीय विन्यास है। आपके पास रिचर्ड हार्डसोन है, बैरोज है, हेटनर है और त्रिवार्था साहब। इसमें भी मैंने देखा कि अधिकतर बच्चों ने रिचर्ड हार्डसोन पर लगा दिया, लेकिन इनका सही उत्तर जो हमारे पास है वो अल्फ्रेड हेटनर साहब है। अब देखो भूगोल की वास्तविकता क्या है, तो इस संदर्भ में जैसे मैंने कहा कि संकल्पनात्मक विकास, अब आप सोचोगे बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में जाएगा कि संकल्पनात्मक विकास इसमें क्या है, इस लाइन में ही भूगोल है, भूगोल की वास्तविकता है। भूगोल क्या है, जब भूगोल को आप परिभाषित करोगे अपने स्तर पर तो भूगोल के माध्यम से हम पृथ्वी के पर्यावरण के साथ साथ अगर शुरुआत की बात करें तो जो कुछ हमें समझ में आ रहा है पर्यावरण के अतिरिक्त सबका अध्ययन होता है। कहा जाए कि भूगोल का अध्ययन आरंभ किसने किया, कब किया, तो निश्चय ही मानव ने। मानव ने कब किया, तो निश्चय ही मानव और भूगोल का संबंध उसी दिन हो गया जिस दिन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के द्वारा, जैव विकास के द्वारा मानव अपने परिवर्धित रूप में पृथ्वी पर आ गया। मानव ही नहीं, मेरा तो यह मानना है कि जब जब जिन जीवों में संचेतना का विकास हुआ वो भौगोलिक पर्यावरण का अध्ययन करना आरंभ कर दिए। बहुत से उदाहरण आपके पास है और अध्ययन के पीछे कारण वही है, आवश्यकता, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। चलो एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक छोटा सा जंतु स्नेल, घोघा का नाम सुना है, जो शंख बनाता है, उसने शंख क्यों बनाया, अपनी रक्षा के लिए। अब बताओ कितना अन्वेषण किया होगा, कितना सोचा होगा अपनी अनुकूल परिस्थिति के लिए, और उसमें भी त्रिविमीय विन्यास है, उसको कहां सरवाइव करना है, स्थान हो गया, वो कुछ खुद वस्तु है, वो प्रक्रम है, कहां सरवाइव करना है, सागर में, सागर में अगर जीना है, बड़े वस्तुओं जंतुओं से बचना है तो उसके लिए स्पेशल खोल होगी, चट्टान को खाया, कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट किया और शंख बना दिया, जिस शंख को बजाने के बाद हमारे भगवान खुश हो जाते हैं। क्या मानव शंख बना सकता है, लेकिन उसने क्यों किया, अपनी अनुकूल परिस्थिति के लिए अन्वेषण किया। पादप जीव है, पादप को चट्टान पर आपने उगा दिया, लेकिन अपनी आवश्यकता के पूर्ति के लिए वो चट्टानों को भेदते हुए सैकड़ों मीटर नीचे चला जाता है अपनी आवश्यकता की खोज के लिए, यानी पानी के लिए। जिस स्थान पर जो होगा वैसा अपनी प्रवृत्ति को बदल लेगा। तो जब जब जिन जीवों में संचेतना का विकास हुआ अपनी अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण अध्ययन शुरू कर दिए, तो भूगोल तो वहां से शुरू हो गया। लेकिन जहां तक विषय के रूप में भूगोल का विकास चला, कैसे चला, तो हमारे सामने वर्तमान है, तो भूत का हमने किया, वर्तमान भूत की कुंजी है, तो भूत को ही पकड़ेंगे,
ग्रीक भूगोलवेत्ताओं ने क्या बोला, रोमन ने क्या बोला, प्राचीन भारतीय लोगों ने क्या बोला, प्राचीन चीनी लोगों ने क्या बोला, अरब स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित विद्वानों ने क्या बोला। फिर इसके बाद पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के पीछे भी कहानी क्या है, आवश्यकता। फिर जर्मन स्कूल ऑफ थॉट आता है, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट आता है, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट आता है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट आता है, सोवियत यूनियन स्कूल ऑफ थॉट आता है, बढ़ते चले गए, भूगोल का स्वभाव बदलता चला गया। और जैसे जैसे आधुनिकता आई, कई विद्वान आए भूगोल को परिभाषित करने के लिए, लेकिन लैंडमार्क कहां मिलता है भूगोल को, हम्बोल्ट और रीटर के आगमन के बाद। लेकिन हम्बोल्ट और रीटर साहब 1850 के दशक के लास्ट में चले गए, 1859। लेकिन इसी दशक में 1859 से एक साल पहले चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसने पूरे विश्व की हर प्रक्रिया को बदल कर रख दिया। सिर्फ भूगोल को नहीं, बायोलॉजी को बदला, भूगोल को बदला, राजनीति को बदला, सबको बदल दिया और पर्यावरण की वास्तविकता को सामने रख दिया और बोला कि वही जीवित रहेगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। लेकिन डार्विन के पीछे कौन था, माल्थस थे। परिवर्तनशीलता चल रही, 1850 के दशक में कई परिघटनाएं हुई, अलग अलग लेवल पर अलग अलग विद्वान आ गए भूगोल के संदर्भ में। रिट्ज़ल आ जाते हैं, हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर आ जाते हैं, तो भू राजनीति दूसरी तरफ करवट लेने लगती है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत गए भू आकृति विज्ञान में, विलियम मॉरिस डेविस आ जाते हैं, किंग साहब आ जाते हैं, एलसी किंग, पेंक साहब आ जाते हैं। प्रक्रिया चल रही है। इसी दौरान 19वीं शताब्दी का अंत है, 20वीं की शुरुआत है। 1905 में जो भूगोल को स्वरूप देने की कोशिश की जा रही, हालांकि विलियम मॉरिस डेविस ने त्रिविमीय आकार का वर्णन कर चुके हैं। याद करो, किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थलाकृति संरचना अवस्था प्रक्रम का प्रतिफल होती है, दैट्स नोन एज द ट्रायो ऑफ डेविस। डेविस के त्रिकूट 1899 में पूर्ण से प्रतिपादित आ गई संकल्पना उनकी, यद्यपि 1880 के दशक में उन्होंने शुरुआत कर दी थी, लेकिन 1905 में आते आते जो आधुनिक भूगोलवेत्ताओं में जागरूक लोग हैं, अल्फ्रेड हेटनर साहब ने भूगोल के संदर्भ में बोला इसकी वास्तविकता त्रिविमीय विन्यास है। त्रिविमीय विन्यास क्या है, तो एक प्रक्रम, प्रक्रम क्या हो सकता है, वस्तु हो सकती है, जल भी प्रक्रम है, वायु भी प्रक्रम है, हम भी प्रक्रम है। जल स्थलाकृति को परिवर्तित कर रहा है, जल परिवर्तित होकर वर्षा कर रहा है, वाष्प वाष्प से जल, हम भी प्रक्रम है, हम भी स्थलाकृतियों को प्रभावित कर रहे हैं। अभी तक बेसिकली आप पांच प्रकार की स्थलाकृति पढ़ते हो, बहिर्जात बल वाली, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, काश क्षेत्र में निर्मित स्थलाकृति, सागर तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ग्लेशियर हिमनद के द्वारा। लेकिन अगर यूपीएससी से आप संबंधित हो तो कुछ समय पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व, 3-4 वर्ष पूर्व संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आईएएस के अंतर्गत एक क्वेश्चन डाला, 200 शब्दों में लिखना था कि मानव के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना कीजिए, एंथ्रोपोजेनिक टोपोग्राफी। तो हम भी तो बना रहे हैं, जिस मकान में मैं खड़ा हूं मानव ने बनाया, कहीं तोड़ा तो बनाया, तोड़ा तो अपरदन परिवहन किया और बना दिया पत्थर लाकर, तो हम भी प्रक्रम हैं। तो प्रक्रम वस्तु, स्थान कहां पर हुआ, स्थान और इसमें लगा हुआ समय। तो हेटनर साहब ने यही बताया अपनी पुस्तक में 1905 में कि त्रिविमीय भूगोल का वास्तविक तत्व क्या है, वस्तु समय और स्थान, वस्तु समय और स्थान, यही त्रिविमीय क्या है, विन्यास है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द ज्योग्राफी।
तो इस तरह से ये होगा। और ये मानव भूगोल की जो पुस्तक आप पढ़ते हो या भूगोल को परिभाषित करने के लिए जो पुस्तकें सामने आपके हैं, जिस भी राइटर की हो, अच्छी किताब है तो उसमें दिया है। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, हेटनर साहब, क्लियर। अब आगे हम चलते हैं, पृथ्वी और राज्य, द अर्थ एंड द स्टेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो निश्चय ही जब पृथ्वी और राज्य शब्द आ गया तो कहीं ना कहीं भू राजनीति की खुशबू तो आ रही है। तो जब भू राजनीति की खुशबू आ रही है तो कौन सा भूगोलवेत्ता है जो भू राजनीति की तरफ है, बैरी साहब भी हैं और डीएम विटेलसी। विटेलसी साहब को जब आप पढ़ते हो तो सामान्यतः कृषि प्रादेशीकरण की तरफ हम जाते हैं, जो 13 प्रकार के कृषि प्रदेशों का इन्होंने विवेचना की थी। लेकिन यहां पर उत्तर ये फैक्चुअल है, फैक्ट जब भी आप पढ़े तो याद कर लें, तो ये आ गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, अच्छे पढ़ते हो लेकिन बेटा अब ये गलती आप लोग नहीं करोगे, शायद अगर ये सुधार आप लेते हो तो आपका जीवन बन जाएगा, आप पास हो जाओगे, क्योंकि 99% यानी 100% लोगों ने गलती की। क्या है, नगरीकरण से संबंधित है। तो नगर विकास की अवस्था में आप पैट्रिक गेडी साहब को जानते हो, लेविस मम्फोर्ड साहब को जानते हो, टेलर साहब को जानते हो, जो विकास के आधार पर वर्गीकरण किया अच्छी तरह से। गेडी साहब ने तीन प्रकार, तीन अवस्थाएं बता दी समय के अनुसार, लेविसना ने 6 बता दी। ठीक, लास्ट में क्या लिया था, नेक्रोपोलिस। टेलर साहब ने 7 अवस्था बता दी, वृद्धावस्था तक, जैसे मानव का विकास होता है, पुरुष शैशवा, शैशवा बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ा, उत्तर प्रौढ़ा और वृद्धावस्था। लेकिन कार्यात्मक वर्गीकरण से संबंधित है, तो कार्यात्मक वर्गीकरण 3 लेवल पर किया गया। एक क्वालिटेटिव था, गुणात्मक, दूसरा कौन था, अर्ध गुणात्मक या अर्ध परिमाणात्मक, और तीसरा परिमाणात्मक। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपके पास हैं। तो जब गुणात्मक में जाते हैं तो आरुसो साहब का नाम सबसे ऊपर आता है, अर्ध परिमाणात्मक में जाते हैं तो हैरिस साहब का नाम आता है, और बाकी जब परिमाणात्मक में आते हैं यानी क्वांटिटेटिव में आते हैं तो पावलान साहब और नेल्सन साहब दोनों का नाम आता है। तो पहला स्टेटमेंट मैंने क्या दिया, नगरों के वर्गीकरण के संदर्भ में परिमाणात्मक विधियां अति प्रमुख हैं, यानी क्वांटिटेटिव जो मेथड है अति क्या इंपॉर्टेंट है। इस संदर्भ में पावलान ने और एच जे नेल्सन साहब ने बेहतर उपयोग किया इसका, एकदम 100% सही है। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया गया, एलएल पावलान ने मानक विचलन विधि का उपयोग किया और जबकि नेल्सन साहब ने माध्य विचलन का उपयोग किया। जल्दीबाजी में आपने इसको सही कर दिया, ऊपर से देखने पे तो सही है लेकिन जो बच्चा सूक्ष्म विश्लेषण करेगा वो एक्चुअल पावलान साहब ने इस विधि का उपयोग किया, नेल्सन साहब ने इस विधि का उपयोग किया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस लेवल पर जाओ आप, अब बताया कि ऐसे क्वेश्चन, एक तो ये कथन वाले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन कारण वाले क्वेश्चन ऐसे ही उलझाते हैं आपको, तो सुधार करें। हमारा काम ये नहीं कि क्वेश्चन कोई आसमान से या स्वर्ग से बन के आपके लिए आएगा, जब भी आएगा आपके पाठ्यक्रम से आपके पास जो पुस्तक है उससे घुमाने का प्रयास, क्योंकि अप टू टेट हमें क्या चाहिए, नॉलेज के साथ साथ आपके एप्टीट्यूड को भी टेस्ट करना है, तब वहां जाकर अच्छी तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर पाओगे। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो गया, कौन सा सत्य पूछा गया, तो सत्य केवल एक होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये रिवर्स हो गया, क्लियर। इसके बाद फिर अभी इसका उत्तर तो पीछे ही मैंने बता दिया, नगरीय वर्गीकरण के अंतर्गत अर्ध परिमाणात्मक विधि का उपयोग किस विद्वान ने किया, तो हैरिस साहब ने, और कितने भागों में नगरों को बांटा, ये दिमाग में आपके होने चाहिए, आज मैं नहीं बताऊंगा कितने भागों में बांट दिया, इनके साथ और लोग थे क्या, और नगरों का जो वर्गीकरण 6-7 भाग में किया, कहां का लिया, अमेरिका का लिया, न्यूजीलैंड के लिया,
या ब्रिटेन के काउंटी को लिया, इसे अभी आपको याद करना है। इसके बाद इसका उत्तर क्या हुआ, सी डी हैरिस साहब, ठीक। इसके बाद आपके पास क्या है, मानव भूगोल को मनुष्य तथा उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है, यह कथन किसका है? तो मानव भूगोल की जो भी पुस्तक आप लोग सामान्य से सामान्य पुस्तकों में 15-20 परिभाषा दी गई, उनको आपको याद करना है। तथ्य तो तथ्यात्मक, हमको तथ्यात्मक विषय वस्तु को अपने यहां पर रखना है। तो इसमें जो होंगे डिकन और पिट साहब आएंगे, सबका नाम आएगा। रेडजल ने भी परिभाषित किया, सिंपल महोदया ने भी किया और केमिलो विलो ने भी किया, लेकिन उत्तर क्या है आपके पास, ये है, ठीक। तो कितने क्वेश्चन आपके पास है, नंबर वन ये आ गया वास्तविक त्रिविमीय विन्यास, नंबर टू आपके पास आ गया पृथ्वीराज, नंबर थ्री आ गया ये जो क्वेश्चन आपके कथन वाले थे, ठीक, और नंबर पांच आ गया ये सी डी हैरिस साहब के। तो ऐसे क्वेश्चन मैं कभी भी कहीं से क्वेश्चन आपको उठा कर दूंगा और एक सप्ताह में जितने क्वेश्चन आपके पास चले जाएंगे इनकी संख्या मैं बढ़ाऊंगा, वो आपके रुझान के ऊपर है, ठीक। आपका जितना रुझान आएगा उतने नंबर आप क्वेश्चंस में बढ़ाऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी तरह से देने की कोशिश करूंगा अपने तरफ से, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं उसमें विश्वास करता हूँ कि हर विषय वस्तु या हर व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता है। आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है, बस प्रयास करना चाहिए। प्रयास होगा तो द बेस्ट मिल जाएगा। अब द बेस्ट क्या है वो हमें और आपको डिसाइड करना है, क्लियर। तो ऐसे करते रहें, सजगता के साथ, सौम्यता के साथ, सहयोगात्मक ढंग से अपनी तैयारी करें, शांत होकर तैयारी करें, आगे बढ़ें, बस। ओके, थैंक यू।